हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 6 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एसएससी सीपीओ में और सीएचएसएल में और भी वेरियस एग्जाम्स में, रेलवे में और भी बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया, और ये से क्वेश्चन बार बार आते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बट ये थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए क्वेश्चन हर एग्जाम्स में दिए जाते हैं और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को चार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नंबर एक्स है, जब उसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है 21, 22, 60 और 64 से, तो वो सेम प्रोपोर्शन में बन जा रहा है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन हमको जानना है, एक्स प्लस वन का और 7x+8 का मीन प्रोपोर्शन जानना है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक तरीका क्या कहता है कि पहले हम लोग ऐसे लिख देते हैं 21 -x और 22 -x, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, 60 -x, 64 -x। अब यहाँ पे ये वाला तरीका लगता है, ए बाई बी अगर लिखा हुआ है हमारा और ये इक्वल है सी बाई डी के, तो हम लोग जानते हैं कि ए डी का मल्टीप्लाई हो जाता है और बी सी का मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरीके से जब 21 को हम लोग 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1344। फिर नेक्स्ट है, जब 21 को हम लोग -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -21x, और जब -x को हम लोग 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -64x, और जब -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा +x2। सेम एस इसमें भी करना हम लोग को, जब हम लोग 22 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1320, और जब हम लोग 22 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 22x, और जब हम लोग x को -x को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60x, और जब -x को हम लोग -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2। तो यहाँ से x2 और हमारा x2 तो कट हो जाएगा, और जब हम लोग 21x और 64x को ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी -21 है, ये भी -64 है, तो हमारा आंसर आएगा -85x, -85x आ गया हमारा। और इधर जब हम लोग 22x और -60x को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा -82x, और जब यहाँ से 1320 को जब हम लोग इधर ले जाके 1344 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 24। और ये 24 किसकी वैल्यू है, जब हम इसको 85 को इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -85 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए जब पॉजिटिव 85 में से हम लोग निगेटिव 82 को सब्सट्रैक्ट कर, मतलब माइनस करते हैं 82 को, तो हमें मिलेगा 3x। 3x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू हमारा कितनी है, 8 है। अब यहाँ से पूछा क्या है कि मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन क्या निकलता है, इन द रूट ऑफ जितने भी नंबर है उनको रूट कर देना है। हमारे x की वैल्यू 8 आई है, तो 8+1 9 हो गया, हमारा रूट में 9 हो गया, और मल्टीप्लाई का साइन लगता है, और 8 7 जा हमारा होता है 56, और 56 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 64। तो इसका रूट लेंगे हम लोग, जानते हैं कि 64 का रूट होता है हमारा 8 और 9 का रूट होता है 3, यानी कि इसका आंसर जो है वो है 24। ये तो था हमारा बेसिक तरीका। चलिए अब अपने दूसरे तरीके पे चलते हैं। दूसरे तरीके में क्या है कि प्रोपोर्शन का ही एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। कंपोनेंडो और डिविडेंडो में क्या करना रहा होता है कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो में जैसे लिखा है कि ए बाई बी और इज इक्वल्स टू सी बाई डी, कंपोनेंडो और डिविडेंडो में यही होता है सी बाई डी, तो एक बार ए प्लस बी कर देंगे और एक बार ए माइनस बी करके ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, यही है कंपोनेंडो और डिविडेंडो। इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा सी प्लस डी के और डिवाइडेड बाय सी माइनस डी के, इन्हीं का हम लोग को यूज करना है। तो इनका इसको पहले इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, स्पेस कम है। तो अब देखिए, इसी कंपोनेंटो और डिविडेंडो का हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जब 21 -x को ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 22 -x को, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 21 -x प्लस 22 -x, और जब हम लोग डिवाइड में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 21 -x माइनस 22। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब माइनस हो बाहर ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, तो ये दोनों प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो यही चीज़ हुआ है यहाँ पे कि
कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जब माइनस एक्स था इसको माइनस किए तो ये प्लस में चेंज हो गया। इसी तरीके से इधर कर लेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करके 60 माइनस एक्स और प्लस 64 माइनस एक्स को ऐड करना है, और इसी को एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, तो हम लोग को मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा ऊपर, यहाँ से जब सब्सट्रैक्ट ऐड करेंगे इसको 21 और 22 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 43, और जब माइनस एक्स और माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x। और इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं हम लोग, जब 21 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 22 को तो हमें मिलेगा -1, और ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स जो है हमारा कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से -x या -1, एक्स तो कट हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, जब हम लोग ऐड करेंगे 60 प्लस 64 तो हमें मिलेगा 124, और माइनस एक्स और माइनस एक्स हमको दे देगा -2x, और इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 60 माइनस 64 करेंगे तो -4, और यहाँ भी एक्स से एक्स कट हो जाएगा, और ये जो माइनस है क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही है और डिनोमिनेटर में है तो ये माइनस इसका माइनस कट हो जाएगा। अब हमें मिलेगा क्या, यहाँ से तो हमें मिलेगा 43 माइनस 2x इधर से मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस तो कट हो गया और 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे वही आंसर मिलेगा हमको, इज इक्वल टू। एक तो तरीका ये है कि हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें इधर ले जाके, या तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जैसे कि 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 31, ठीक, 4 3 जा 12, 4 4 4 1 जा 4, और माइनस जब 2x को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो हमको मिलेगा x अपॉन 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, x अपॉन 2। अब ये जब इधर चला जाएगा तो हम लोग को मिलेगा कितना, मिलेगा 12 मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग को 12 मिल जाएगा, और इक्वल टू ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस के 2 में से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे हाफ, ऐसे समझ लीजिए 2 में से जब हम लोग हाफ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को 1.5 मिलता है, 1.5 को ही 3/2 लिखते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 माइनस 1/2, एक्स लगा हुआ है ऐसे यहाँ पे एक्स और एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 4 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 3/2x, ये आ गया हमारा, ये 3/2x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 12 है, 3/2x की वैल्यू 12 है, तो 3 से इसको ये 4 टाइम्स कट होगा, और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ से भी x हमारा 8 आ गया, फिर इसके बाद मीन प्रोपोर्शन हम लोग निकाल देंगे। ये था हमारा सेकंड मेथड। अब चलते हैं अपने थर्ड मेथड की तरफ, तो थर्ड मेथड पे में क्या चलते हैं। होता थर्ड मेथड पे क्या करना है कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 22 माइनस एक्स, और ये इक्वल होना चाहिए हमारा किसके, 60 60 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 64 माइनस एक्स, इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 का गैप है और यहाँ पे 1 का गैप है, तो इसको इक्वल करने के लिए ये भी तो हो सकता है, जब से इक्वल है तो 21 माइनस एक्स इक्वल होना चाहिए ये भी, या सेम रेशियो में होना चाहिए 60 माइनस एक्स को, तो यहाँ से ये जो 4 का गैप आ रहा है, इधर 1 का गैप आ रहा है, इस गैप को बैलेंस कर देते हैं। जैसे इस गैप को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे और एक किसी को भी सॉल्व कर ले, चाहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो भी हमको अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे 21 4 जा होता है हमारा 84, 84 माइनस, जब 4x को x से 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x इक्वल टू, ये इक्वल होना चाहिए 60 माइनस एक्स के, 60 माइनस एक्स, ये जब 60 इधर जाएगा तो 24 बन जाएगा, 24, और ये जब इधर जाएगा 4 इधर जाएगा माइनस का तो प्लस जाके उधर 3 हो जाएगा, 4 प्लस का 4 और -1 माइनस एक्स तो 3x हो गया, 3x की वैल्यू 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी है हमारी, 8 है, एक्स की वैल्यू 8 है, ये भी एक तरीका हो गया। और लास्ट जो सबसे अच्छा तरीका है जिसको आपको यूज़ करना है अपने एग्जाम्स में, वो ये है कि पहले हम लोग को नंबर अपना लिख लेना है, 21 22, जितने नंबर से उनको लिख लीजिए, और 60 और 64, अब इनके बीच का गैप निकाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे गैप है 1 का, यहाँ पे गैप है 4 का, 1 और 4 है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना होता, ये जो हमारा 4 आया ना गैप इसका, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। ये एक तरीका भी बेसिक कह लीजिए, इससे पहले वाला जो मेथड बताया वहीं से निकल के आता है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है तो 21 को 4 से करेंगे तो 84, ये हो गया हमारा 84। अब ये जो 1 है इधर इसके फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 हो गया,
अब ये भी 60 दे दिया और इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट, और जो हमारा गैप निकला है उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 4 माइनस 1। यही तरीका है इसको निकालने का और बहुत ही अच्छा तरीका है और शॉर्ट मेथड है। अब यहाँ से इसको करेंगे, जैसे ही 84 में से 60 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 24, और नीचे करेंगे तो 3, यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। देखिए 8 के एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 8। ये तरीका बहुत अच्छा है, आपको इस तरीके पे ज़्यादा मास्टरी करना है। इसको एक बार फिर से बता देते हैं, पहले हमें इसको गैप निकालना है 1 और 20, यहाँ पे 1 आया, 21 और 22 का गैप 1 आया, यहाँ पे 60 और 64 का गैप 4 आया। अब इसके जो गैप आएगा उससे इसके पहले नंबर पे मल्टीप्लाई कर देना है, और इनका जो गैप आएगा इसके इस पहले नंबर पे मल्टीप्लाई कर देना है, और इनको मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करके और इनके गैप को सब्सट्रैक्ट करके और डिवाइड कर देना है। ये इस तरीके का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, इस तरीके पे आप ज़्यादा मास्टरी कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।